हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल। माय सेल्फ सात्विक सुमन झा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं साथ स्टैंडिंग के क्वेश्चन नंबर 16 से। और क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब को। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले क्या होगा, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर फिर टी एक्स। तो पहले पावर पीछे एन माइनस वन, और एन माइनस वन में से टू माइनस वन तो वन ही होगा, इसलिए ऐसे ही लिख लेते हैं कॉस एक्स क्यूब। अब कॉस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको अच्छे से, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन टू एक्स क्यूब। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा। हो गया, बन गया क्वेश्चन। 17 नंबर देखते हैं, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन। डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब करेंगे आप समझ के, ये होल का पावर है थ्री, पावर पीछे एन माइनस वन इंटू सेक का क्या हो जाता है, समझिए सेक का क्या होता है, सेक इंटू टेन। तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का टू एक्स, वन का तो जीरो ही होता है, इसलिए सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिख लेते हैं सिक्स एक्स सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेक क्यूब क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर और सेक, इंटू टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th नंबर क्या कहता है, कॉस थ्री एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, रूट अंदर में है। देखिए इसको आप देखिए, पहली बात तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो वन बाय रूट टू एक्स होता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया भी था, और अगर मैंने नहीं बताया तो मैं तुरंत बता ही देता हूं। देखिए रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स का पावर वन बाय टू, पावर पीछे वन बाय टू माइनस वन होता है, तो वन बाय टू एक्स का पावर माइनस वन बाय टू, वन बाय टू एक्स का पावर वन बाय टू, अगर नीचे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और वन बाई टू कैसे लिखते हैं रूट एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई टू रूट कॉस थ्री एक्स, और फिर कॉस थ्री एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थ्री एक्स, और फिर थ्री एक्स करेंगे तो थ्री। तो आंसर हो गया हम लोगों का माइनस थ्री बाई टू साइन थ्री एक्स बाय अंडर रूट कॉस थ्री एक्स। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन टू एक्स पावर में ये है, तो इसको देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर पीछे एन माइनस वन यानी साइन टू एक्स वन बाय थ्री माइनस वन। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, साइन टू एक्स को करेंगे ये क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स, और फिर टू एक्स का तो टू। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, क्या हो गया टू बाय थ्री कॉस टू एक्स, और ये क्या हो गया साइन वन बाय थ्री माइनस वन माइनस टू बाई थ्री, और हाँ टू एक्स भी होगा, और ये नीचे गया तो क्या हो गया टू बाई थ्री, ये बन गया टू बाई थ्री कॉस टू एक्स साइन टू एक्स टू बाई थ्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर वन प्लस कॉट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए क्या हो गया वन बाय टू रूट अंडर वन प्लस कॉट एक्स, आपको बताए थे अभी रूट एक्स का क्या होता है वन बाय टू रूट एक्स, और फिर कॉट वन प्लस कॉट एक्स का क्या हो जाएगा वन का जीरो, और कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, आप सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय वन प्लस कॉट एक्स। ठीक है, 21st नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
cos क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करना है क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब cos 1 बाई एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू cot 1 बाई एक्स स्क्वायर, और फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। देख लो x स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो इसका पावर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और पावर भी जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। आप करके देख लेना, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है। ये 3 इंटू 2 नीचे नहीं है, ये ऊपर में ही मल्टीप्लाइड है, काट ही देते हैं। ये 3 इंटू 2 6, देखिए यहां पे माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस का होता है माइनस कॉस इंटू कॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाई एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 22nd नंबर क्वेश्चन। तो 22nd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर साइन एक्स क्यूब, सिंपल 1 बाई रूट अंडर साइन एक्स क्यूब, और साइन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स क्यूब बाई रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है एक्स साइन एक्स, पहले सबसे पहले तो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स, और फिर एक्स साइन एक्स को प्रोडक्ट रूल पे तोड़ेंगे, तो एक्स का 1 फिर साइन एक्स, फिर एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो हो गया ये आपको एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखते हैं 24th नंबर क्वेश्चन। 24th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर कॉट, और एक्स भी रूट अंडर है, देखिए क्या होगा 1 बाई 2 रूट अंडर कॉट रूट अंडर एक्स, और कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर रूट अंडर एक्स, और फिर रूट अंडर एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर रूट अंडर एक्स बाय इसका 2 इसका 2 4 फिर रूट अंडर एक्स फिर रूट अंडर कॉट रूट अंडर एक्स, ठीक है। 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां माइनस नहीं इनटू है बीच में, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ये क्या हो गया माइनस 6x कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस साइन साइन में रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का करेंगे क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, और फिर ए एक्स प्लस बी का भी तो करेंगे, तो a और b तो कांस्टेंट है तो x का हो जाएगा a और b का तो जीरो ही हो गया, तो प्लस जीरो लिखने का कोई फायदा है या नहीं है? अब अच्छे से लिख लेते हैं, इधर हो गया a तो माइनस a, ये वाला माइनस कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन फिर अंदर में साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये वाला चीज लिखें बाय 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अब देखते हैं 27th नंबर क्वेश्चन। तो 27th नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है आपको कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 करना है, इसको डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाय 2 रूट अंडर कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू, अब क्या करेंगे कॉसेक करना होगा तो क्या हो गया माइनस कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1, और फिर एक्स क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर
ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके बढ़िया से। क्या हो गया माइनस, एक मिनट, माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, ये वाला 3 और ये वाला 2। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक अच्छा स्टेप करने जा रहे हैं। ये वाला देखिए, ये तो ऊपर में है ना, आपको दिखाई देते हैं अच्छे से। ये क्या हो गया 1/2 रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब प्लस 1, इसको हटाइए, ये इससे कटेगा तो फिर रूट अंडर में ही बचेगा ना, तो ये हो गया कॉस एक्स क्यूब प्लस 1 और फिर कॉट एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं इस पर 28th नंबर क्वेश्चन। 28th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 5x इंटू कॉस 3x। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कर दिए। और ये क्या हो गया, आप 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्म में आ गया, तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो गया आपको साइन ए प्लस बी यानी 5 + 3 8x प्लस साइन ए माइनस बी यानी 5 - 3x 2x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, साइन 8x/2 को अलग लिख लेते हैं और साइन 2x/2 को अलग लिख लेते हैं, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, साइन 8x का क्या हो जाएगा, कॉस 8x इंटू 8/2 तो पहले से, और इसका साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2/2। देखिए 2 से 2 कट गया, ये हो गया 4। क्या हो गया आंसर, 4 cos 8x + cos 2x हमारा आंसर। अब देखते हैं 29th नंबर क्वेश्चन। तो 29th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 2x साइन x। देखिए इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, क्या हो गया 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का क्या होता है, बाय 2 तो रहने दीजिए। 2 sin a sin b का क्या हो जाता है, cos, सुनिए cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यानी हो गया cos a माइनस बी यानी 2x माइनस x, तो cos x माइनस cos a प्लस बी यानी cos 2x प्लस x cos 3x। देखिए ये सब तरह का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, डिफ्रेंसिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, और आपका इन्वर्स में तो यूज हुआ ही होगा, अगर आपने वो कर लिया था या डिफ्रेंसिएशन पे आए होगे तो ये आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। खैर चलते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं cos x by 2 माइनस cos 3x by 2। अब देखिए cos x का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x by 2, 2 ऐसे ही रह गया, और देखिए cos 3 का क्या हो जाएगा, माइनस sin 3x और 3x का 3/2, ये हो गया sin माइनस sin x by 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3/2 sin 3x। ठीक है, चल देखते हैं अब 30th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos 4x cos 2x, फिर वही वाला बात, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया cos 6x प्लस cos 2x, क्यों, क्योंकि 2 cos a cos a का क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b by 2। अब सीधा करते हैं, cos 6 का क्या होता है, cos 6x का माइनस sin 6x और 6x का 6 और by 2, इधर प्लस में अंदर माइनस cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का 2/2, 2 से 2 कट गया, यहां 2 से ये 3 हो गया, ये क्या हो गया माइनस 3 sin 6x और इधर बच गया माइनस साइन 2x। तो एक काम करते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर हो गया प्लस। ठीक है, तो देखते हैं 31st नंबर क्वेश्चन, ये y साइन 1 + x² / 1 - x², तो इसको क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सिंपल डिफरेंशियल लगा के बनाते हैं, देखिए साइन का कॉस 1 + x² / 1 - x², अब सीधा हम लोग डिवाइड बाय रूल जो होता है उस पर चलते हैं, क्या होता है, नीचे नीचे वाले का स्क्वायर
इधर ऊपर में क्या, ऊपर में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी 2x, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देंगे माइनस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए पहले इसका कर लेते, क्या हो गया 2x माइनस 2x क्यूब, और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, तो प्लस 2x प्लस 2x क्यूब बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस के साथ, ये और ये तो कट ही गया, ये हो गया 2 टू 4x, तो ये हो गया 4x बाय 1, ठीक है, देखिए 4x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं 32nd नंबर क्वेश्चन, तो 32nd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है y इज इक्वल टू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर बाय कॉट है शायद, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, हाँ कॉट है, कॉट 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का एज इट छोड़ देंगे माइनस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को एज इट छोड़ देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2x, और नीचे वाले को छोड़ देंगे। अब देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट 2x का माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, और 2x का 2, और फिर ऊपर वाले को एज इट छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसको अच्छे से तोड़ लेते हैं, कॉस एक्स प्लस 2x इंटू कॉट 2x बाय कॉट 2x का होल स्क्वायर, इधर क्या हो गया माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, ये क्या हो कॉस एक्स स्क्वायर 2x बाय कॉट 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 साइन x प्लस एक्स स्क्वायर की जगह नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए करते क्या हम लोग, ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए, एक कॉट से एक कॉट कट गया, और ये क्या हो गया कॉट ऊपर गया तो गया टेन टू एक्स, और ये कॉस एक्स प्लस टू एक्स वैसे ही रह गया, इधर प्लस, अब कॉस एक स्क्वायर बाय कॉट स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, ठीक है 2x, और इंटू 2 तो ऐसे ही रह जाते हैं, और साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप समझे ये भाई ये कितना होता है, देखिए करके बता देते हैं, कॉस एक को क्या ले सकते हैं 1 बाय साइन, कॉस एक स्क्वायर है तो 1 बाय साइन स्क्वायर, और नीचे क्या है कॉट स्क्वायर है तो नीचे कॉट स्क्वायर ले सकते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, देखिए होता तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, साइन साइन कट गया 1 बाय कॉस स्क्वायर, मेरा कॉस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ऐसे करके लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, आप बुक में देख लीजिए, y बराबर cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x दिया हुआ है, प्रूफ करना है dy बाय dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, खैर तो जब लोग y स्क्वायर निकाल लेते हैं, y स्क्वायर क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, और नीचे क्या cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, देखिए ये तो 1 हो गया ये भी 1 हो गया, तो ये हो क्या हो गया 1 माइनस 2 sin x cos x बाय 1 प्लस 2 sin x cos x। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंदी होगा, तो ये दिया हुआ इसको डिफरेंशिएट करना क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और साइन का क्या होता है कॉस, माइनस तो पहले से इसलिए माइनस कॉस, नीचे वाले को एज इट इज माइनस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस का होता है माइनस साइन,
और फिर साइन का तो कॉस ही होता है, फिर ऊपर वाले को एज इट इज, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लिए, क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस ध्यान से देखिएगा, ये क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तोड़ देते हैं इसको, माइनस के अंदर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में ये भी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। और ये नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ये वाला टर्म तो वन ही हो गया, ये वाला टर्म तो वन ही हो गया, ये हो गया वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर नीचे वाले को भी तोड़ देते हैं, नीचे वाला भी हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये वाला टर्म भी वन ही हो गया, माइनस वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, और ये निकला तो माइनस वन, और ये माइनस वन प्लस हो गया टू साइन एक्स कॉस एक्स, देखिए ये दोनों तो कट ही गया, बचा क्या नीचे वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो बचा क्या माइनस वन माइनस वन, तो माइनस टू बाय वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो डी वाई तो ये रहा, ठीक है। तो टू साइन एक्स कॉस एक्स, और हम लोगों को वाई स्क्वायर कितना निकला था, वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स बाय वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वन, एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो माइनस टू प्लस वन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे बच गया क्या वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे तो टू है ना, अब आप गौर कीजिएगा इससे ये कट गया, ये माइनस टू और ये वन प्लस वन टू, तो ये सब भी कट गया, ऊपर कितना हो गया जीरो और नीचे ये सब, और जीरो बाय कुछ तो जीरो ही होता है, प्रूफ हो गया। देखिए अब चलते हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है वाई बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय फोर। देखिए अब एक्स प्लस पाई बाय फोर लाना है, इसको कैसे किस फॉर्म में लिखते हैं गौर से देखिएगा, ऊपर नीचे कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं, ये क्या हो गया कॉस एक्स बाय कॉस एक्स वन साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स वन और साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से एक बढ़िया से फॉर्म में, ये देखिए क्या दिख रहा होगा आपको, टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स बाय वन माइनस टेन पाई बाय फोर टेन एक्स, ऐसा दिख रहा है क्या, क्योंकि वन वो क्या होता है टेन पाई फोर, और यहां भी अगर वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वन से मल्टीप्लाई होगा तो टेन पाई फोर समझो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये क्या होगा, ये हो गया टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाता है टेन का क्या होता है sec स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस एक्स, सिंपल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक भी करिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, बेल आइकन मेरा दबाएगा कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो थैंक यू।